रोहन, बेटा रोहन। लो सचाई। हाँ सा। रोहन, 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 रोहन उठ जा। रोहन, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। उठो, जल्दी से, कॉलेज नहीं जाना है क्या? सुनो जी। हाँ जी। वो रोहन बाइक के लिए बोल रहा था। अभी तो उसको मोबाइल दिलाया है। अब साहब जादे को बाइक चाहिए। सारा दिन इधर इधर तो घूमता रहता है। पढ़ाई तो करनी है नहीं? पढ़ाई करता है, दिन भर छोरियों के पीछे घूमता रहता है। नहीं नहीं, वो नहीं घूमता है, वो पढ़ता मुझे है, मालूम है। देखा है, मुझे मालूम है। मेरी तो कोई सुनता नहीं है। तुम जानो और वो जाने। माँ चलता हूँ मैं, लेट हो रहा हूँ। बाय माँ। बाय। ये देख लो, तेरे नैले को देख लो, मेरे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं है। अरे वो उसके कॉलेज का लेट हो रहा है इसीलिए। मैं रेडी होके आ रहा हूँ। एक मिनट रुको तो सही। ये कंगन क्या उतार रही हो? अपना जो कुछ भी है अपने बेटे के लिए है। अपन अपने बेटे की इच्छा नहीं पूरी करेंगे तो और कौन करेगा? रोहन के लिए गाड़ी लानी है। करो अपनी जिद पूरी, ठीक है? और भाई, भाई आज कॉलेज बंक करते हैं, अभी घूमने चलते हैं। कहाँ पे? कहीं तो चलेंगे। चलते हैं, चलते हैं, चल चलते हैं। चल 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 भाई, चल तू गाड़ी चला। अरे कल कोई कॉलेज गया था क्या? ये क्या कर रहा रोहन? स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, डस्टबिन पड़ा हुआ है। फिर भी तुम चिंता ही नहीं करते हो। कितनी बार बोला है हेलमेट लगा कर गाड़ी चलाया करो, बगैर हेलमेट गाड़ी चलाते हो। अभी किसी को ठोक ठाक दिया तो? अपनी नहीं चिंता तो अगले की तो चिंता करो, माँ बाप की चिंता करो। हेलमेट बराबर लगा कर गाड़ी चलाया करो, सुन रहा है ना? क्या यार रोहन, कब तक दूसरों की बाइक देखता रहेगा? की बाइक कब खरीदेगा? जब गर्लफ्रेंड पटेगा तब भी क्या हमारी बाइक लेकर जाएगा? भाई कुछ भी कहो, आज तो मजा आ गया। कॉलेज की बंक भी हो गई और रोहन के मजे भी ले लिए। हेलो, बस आ रहा हूँ। चलो भाई, आज का टाइम तो हुआ पूरा, मैं भी घर चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। अरे रोहन आ गया क्या? अरे सुन तो सही, क्या हुआ? आ गए आप? इतना सारा सामान? रोहन, रोहन नीचे आ, पापा बुला रहे हैं। हाँ माँ आया। हाँ पापा, बुलाया था आपने। आओ बैठो। और तेरे कॉलेज की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है पापा। और एग्जाम वगैरह कब है? एग्जाम अगले महीने है। कौन सी तारीख? 10 तारीख को। अरे सुनियो,
ये केक किस खुशी में माँ? पापा तेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। क्या है इसमें पापा? देखो सरप्राइज है। ओ मेरे बाइक की चाबी। थैंक यू पापा, थैंक यू माँ। अरे बेटा तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। देखो रोहन गाड़ी लेके कितना खुश है। ये लो कंगन। आप गाड़ी के साथ हेलमेट लाए कि नहीं लाए? अभी एक्सीडेंट बहुत हो रहा है। हाँ लाया हूँ ना। रोहन एक तो कर दे बेटा। बाइक तो दिला दिए लेकिन रोज रेगुलेशन का ध्यान रखना। हाँ पापा। हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना है और ईयरफोन लगा के गाड़ी नहीं चलाना है। पढ़ाई ध्यान से करना है और गाड़ी धीरे चलाना। ठीक है मम्मी पापा। धीरे चलाना है और पापा के सामने नहीं बोलना है। लो सा चाय पियो। अरे रोहन तू आज इतना जल्दी तैयार हो क्या? हाँ माँ वो दोस्तों को पार्टी देनी है ना नई बाइक की इसलिए। हेलो अजय आज मुझे लेने मत आना, मैं कॉलेज डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। ठीक है। तुम्हारा नालायक बेटा उठा कि नहीं उठा? कॉलेज जाना है उसको। लो वो आ गया। रोहन। हाँ माँ। बेटा चाय नाश्ता तो करके जा। मैं जा रहा हूँ जल्दी से। अरे यार लेट हो जाऊंगा मैं। चलता हूँ माँ। बाय माँ। आज भी देखो पैर छू के नहीं गया और हेलमेट और भूल के गया है। अरे आज नई गाड़ी ली है ना थोड़ा खुश है। जाने दो। खुशी थी क्लास टीचर का कॉल आया था। तूने क्लास टेस्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इस बार पक्का अच्छा करूंगी। अच्छा अगर इस बार अच्छा किया ना तो चॉकलेट मिल। तो लाओ चॉकलेट। पहले प्रॉमिस करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ इस बार अच्छा करूंगी। ओके बेबी। खुशी उठो खुशी, कोई तो मेरी हेल्प करो प्लीज। एम्बुलेंस बुलाओ कोई तो प्लीज। खुशी खुशी, आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, आप लोग यहाँ पर मोबाइल पे फोटो ले रहे हैं और ये बच्ची इंसानियत के नाते कोई इसे मदद भी नहीं कर रहा है। अगर ये आपकी बच्ची होती तो क्या हुआ मैडम यहाँ पे? सर यहाँ एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है, उसे बहुत चोट आई इसलिए कुछ लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, पर जिसने एक्सीडेंट किया वो अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गया है। हेलो एक गाड़ी के नंबर भेज रहा हूँ उसकी डिटेल मुझे व्हाट्सएप कर। आई एम सॉरी हम बच्ची को नहीं बचा सके।
मैं रोहन, मुझे बाइक लेकर इधर उधर घूमने का बहुत शौक था। मैं इंतज़ार कर रहा था कब मेरी बाइक आए, मैं उस पर बेबाक घूमूं, कब मैं जोधपुर की गलियों और सड़कों को नापूं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बाइक दिलवा ही दी, लेकिन जब मेरी बाइक आई तो मेरी एक लापरवाही की वजह से, मेरी एक गलती की वजह से किसी की जान चली गई, किसी की खुशियाँ उजड़ गई, किसी की हंसी मुस्कुराहटें छीन गई। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, रैश ड्राइविंग ना करें, बाइक चलाते हुए हेलमेट पहने, अपना लाइसेंस कैरी करें, बाइक राइड करते हुए ईयरफोन यूज़ ना करें, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। इससे आपकी और आपके चाहने वालों की सेफ्टी होगी। मंजिल का ना पता है, ना है मुझे खुद की खबर, बस हौसलों से घोर में रास्ते ना पे जा रहा हूँ। मैं वो यंगस्टर हूँ, हुई सुध मुझे देर से, बस अब दूसरों के लिए सीख बने जा रहा हूँ। मैं वो यंगस्टर हूँ, मैं वो यंगस्टर हूँ जो 14 का होने पर मोबाइल चाहता हूँ, जो 16 का होने पर बड़ा हो जाता हूँ, जो 18 का होने पर फ्रीडम चाहता हूँ, और जो 20 का होने पर बाइक चलाता हूँ, जो स्कूल कॉलेज की बंक चाहता हूँ, जो उम्र की नादानी में थोड़ा भटक जाता हूँ, जो थोड़ा लाइन मारता हुआ किसी के पीछे कहाँ तक पहुँच जाता हूँ, टीनेज की बेफिक्री चाहता हूँ, वक्त से पहले की फ्रीडम चाहता हूँ, थोड़ा लापरवाह, थोड़ा बचकाना, बेबाक घूमना फिरना चाहता हूँ, कभी छल्ले उड़ते तो कभी जाम छलकते, वो उम्र की नादानी में मधुसी से फिरते। मैं वो यंगस्टर हूँ, मैं वो यंगस्टर हूँ जो माँ की आंखों का तारा हूँ, जो बाबा के सपनों का सहारा हूँ, जो दोस्तों के छल्लों का गुजारा हूँ, जो देश का भविष्य बनता हूँ। मैं वो यंगस्टर हूँ, मैं वो यंगस्टर हूँ।